तो बिच्छी का डंक जो होता है ना वो उसका असर मेनली उसका शुरुआती 15 घंटा ज्यादा लहरता। हमको एक बार बिच्छी मार दिया फिर कहे सांप और मार दीजिए अभी गधो कहीं का सांप काटे दी ना। चींटी की डंक में फॉर्मिक एसिड, अब चींटी तनी सा फॉर्मिक एसिड लगाती है और बिच्छी दो बूंद डाल देती है, ले जा लहरो अब लहरता है। तो बिच्छी का डंक जो होता है ना वो उसका असर होता है 24 घंटा मेनली उसका शुरुआती 15 घंटा ज्यादा लहरता है। तो बिच्छी आप में से कितने लोग को मारी है बढ़िया से एकदम लहरता है कि नहीं? अरे बाप ओ बाप इसको नहीं लहरता, आप लोग को थोड़ी लहरेगा, बिच्छी से पूछिएगा उसको लहर रहा होगा। इसको बिच्छी मारी तो नहीं लहर रहा था, नहीं लहर रहा था, इसका मतलब क्या हुआ? या तो फास्फोरस ज्यादा है या तो यही जहरीली है। हमको एक बार बिच्छी मार दिया गुठवे में, ईंटा लेके कुछ कूचने ले गए थे, ईंटवा उठाए और कूचने गए ना तो ईंटवा के बीच में एगो खाली जगह होता है मसाला भरने की, उसी में वो बैठल थी और उसका फैमिली मेंबर भी उसी में था, सब ले गए टंटना दिया इसी में ले। हमको शुरुआत में लगा कुछ नुकीला चीज चुभ गया और जब फेंके ना तो देख लिए बिच्छी, तो देखने के बाद लहरने लगा ज्यादा। अच्छा 5 मिनट उतना नहीं लहरेगा, जितना टाइम बीतेगा ना उतना क्या होगा लहरे। तो इसका सिंपल सा गए एगो नॉर्मल डॉक्टर के पास, हम कहे कि इसको सुन कर दीजिए, कौन सी दवाई होता है उससे मतलब इसको क्या कर दीजिए सुन कर दी। तो जहां बिच्छी मारा था लहर रहा था उसको क्या कर दिए सुन कर, एक बार इंजेक्शन देता है ना सुन करने का 6-7 घंटा असर नहीं होता है, तो एक बार मार दिए सुन हो गया, 5-6 घंटा बाद फिर चढ़ने लगा, फिर कहे साहब और मार दीजिए, सुन का असर उठा 15 घंटा बाद, अब बिच्छी का भी असर खत्म हो गया 15 घंटा बाद खत्म, सुन करा के खत्म कर दीजिए। वो कोई जहर थोड़े होता है कि आदमी मर जाएगा, अभी गधो कहीं का सांप काटे दी ना कि सुन करा ले। सुन सुन ले। बिच्छी मारेगा तब सुन करा लीजिएगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया?